रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट प्यूटन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बहुत तारीफ की। डेफिनेटली वी विल बी ग्लैड टू सी आवर डियर फ्रेंड हिज एक्सेलेंसी प्राइम मिनिस्टर मोदी paying a visit to Russia. Vladimir Putin had invited Indian Prime Minister Narendra Modi to visit Russia next year. आखिर वहां पर क्या होगा? तो देखिए वही हुआ जो हमने कहा था, जिसका डर था वही बात हो गई। रशिया ने ये कहा है कि वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं एज अ फॉर अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। रूस के दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। Tell him that we want to see him. Russia, we expect him to come. Although I know that India next year will have a busy political schedule. और इसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है, रशिया एक्सेप्शनल पार्टनर, स्पेशल पार्टनर कहा गया है। एक एक्ट्रेस है सनी लियोनी या सनी लियोन, उसके पास जो है $6 बिलियन हैं और पाकिस्तान के पास $4 बिलियन हैं। ये बड़ी साहब आपसे हमने देख रहे हैं, एक बंदा जिसको आपने दो दफ़ा वजीर खजाना खारजा बनाया और ये इनको द वे ही इज बीइंग टेकन अवे। बहरहाल इंडिया ने बड़े साहब जो भी है अपना मुकाम तो बना लिया है। इंडिया इज रिकग्नाइज्ड एंड इट इज बीइंग रिस्पेक्टेड, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये वही हैं जो मोदी जी को उल्टा सीधा बोलते थे, डॉक्टर जयशंकर को उल्टा सीधा बोलते थे, यही शाह महमूद कुरैशी है दोस्तों, जो बात करते थे कश्मीर में जिहाद की। पूरी पाकिस्तान दुनिया को आपने क्या मैसेज दिया कि आप अपना वजीर खारजा जो आपके मुल्क की अपनी खारजा पॉलिसी में जाके बयान करता रहा, उससे एक थानेदार और सिपाहियों से आप धक्के दिलवा रहे हो, मार पिटवा रहे हो। ये इसकी औकात है कि पंजाब पुलिस का एक थानेदार फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को ऐसे धकेलता है जैसे कोई जेब कतरा होगा। एस जयशंकर जैसे मिनिस्टर को जो जिस तरह ट्वीट किया जाता है, जिस तरह पाकिस्तान में मिनिस्टर्स को ट्वीट किया जाता है। और जब अब रशिया डॉक्टर जयशंकर पहुंचे तो वहां पर न्यूक्लियर प्लांट की डील साइन कर ली है। इंडिया रशिया साइन की डील फॉर न्यूक्लियर प्लांट। खबर सामने आ रही है रशिया से कि रशिया चाहता है ज्यादा से ज्यादा भारतीय ब्रांड्स, इंडियन ब्रांड्स रशिया के अंदर आए और बहुत सी टेक्सटाइल से रिलेटेड, अदर कंपनी से रिलेटेड भारतीय कंपनियां शिफ्ट हो भी रही है रशिया के अंदर। आज वो जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट की डील करता नजर आ रहा है और पूरी दुनिया में ओपनली वो अनाउंस करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे कंट्री पाकिस्तान है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो सिर्फ ऑयल लेने की भी बात करते हैं तो वापस आते हैं तो जेल में। हम ये देख रहे हैं कि डॉक्टर जयशंकर रशिया में और वहां पर कई एक बातें हुई जिस पे मैंने एक दो उसके अंदर टॉपिक्स ऐसे थे जो मैंने प्रोग्राम किया भी, लेकिन इस वक्त जो मेरे सामने खबर है वो ये है कि रशिया की तरफ से कहा गया है कि हम इंडिया की परमानेंट जो सीट है टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उसको सपोर्ट करते हैं। और उन्होंने इसमें G20 में समिट के दौरान इंडिया ने जैसे जो है वो एक बैलेंस रखा है और कहा यह गया है कि ट्रू ट्रायंफ फॉर इट्स फॉरेन पॉलिसी। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो परमानेंट सीट की बात हो रही है, आप कितने पुर उम्मीद हैं इंडिया कि उनके लिए वाकई ये एक आसान बात होगी? रशिया ने इसको सपोर्ट किया, और भी लोग सपोर्ट, कंट्रीज सपोर्ट कर सकते हैं, और ये जो ट्रू ट्रायंफ की उन्होंने बात की तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी अक्सर हम भी बात करते हैं कि एक तरफ जहां मोदी साहब जब अमेरिका आते हैं तो उनको हाथों हाथ लिया जाता है और कहते हैं क्लोज पार्टनर्स, और वहीं पर जब डॉक्टर जयशंकर रशिया जाते हैं तो उनको हाथों हाथ लिया जाता है और कहते हैं कि हम क्लोज पार्टनर्स हैं। तो ये बैलेंस जो कि हम कायम नहीं रख पाते, हमने देखा पाकिस्तान में कई दफा बात की जाती है और भी कई कंट्रीज, ये आप कैसे कायम रख पाते हैं? जी, ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी देखिए, पिछले 9 साल में 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनका जो एक रोल था वो प्राइम मिनिस्टर प्लस एक्स्ट्रा फॉरेन मिनिस्टर का रहा है। अगर आपने नोट करा हो तो बहुत सारे रीजियंस जिसको नेग्लेक्ट किया जाता था वर्ल्ड वाइड, उन सब पे फोकस शुरू हुआ। और ना सिर्फ ये, पिछले 2 टर्म्स में उन्होंने जो पर्सनल रैपो क्रिएट किया है अमंग्स लीडर्स, उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हुआ है कि आज जब 2024 के इलेक्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि भारतीय लोग
ग्लोबल लीडर को वोट करने वाले हैं, किसी नेशनल लीडर की इलेक्शन के लिए नहीं जा रहे। दोस्तों, पाकिस्तान में जो ना हो वो कम है, ये बड़ा अजूबा वाला देश है यार। बचपन में सर्कस गए हैं आप? आपने देखा है वो जोकर जो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा है? वो मौत का कुआं पाकिस्तान है और जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं वो वहां के सियासतदान हैं। मौत के कुएं मोटरसाइकिल। अब ये छोटा सा वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में हो क्या रहा है। छोटा सा वीडियो देखिए आप। मुझे नहीं सर, दोस्तों ये जो बुजुर्ग हैं सफेद बाल वाले कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, इनका नाम है शाह महमूद कुरैशी। ये इमरान खान की कैबिनेट में फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे। ये वही हैं जो मोदी जी को उल्टा सीधा बोलते थे, डॉक्टर जयशंकर को उल्टा सीधा बोलते थे। यही शाह महमूद कुरैशी है दोस्तों जो बात करते थे कश्मीर में जिहाद की, जिन्होंने सऊदी अरब से पंगे ले लिए थे कि भाई तुम कश्मीर के बारे में क्यों नहीं बोलते। बड़ा गुस्सा था इस आदमी में, बहुत ज्यादा। इस बंदे ने बोला कि जिहाद के लिए हथियार उठाओ। इस बंदे ने दुनिया भर को यूनाइटेड नेशंस कश्मीर 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 कश्मीर, इसने कश्मीर कर करके इसने ऐसा कर दिया कि पाकिस्तान का नाम लेना भूल गया, कश्मीर कश्मीर करता था। यह इसकी औकात है कि पंजाब पुलिस का एक थानेदार फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को ऐसे धकेलता है जैसे कोई जेब कतरा होगा। ऐसी बेइज्जती हुई है। मैं चाहता हूं दोस्तों आप ये वीडियो एक बार और देखें, क्योंकि मजा तो आ ही रहा होगा, तो एक बार और देख लीजिए। मुझे नहीं सर, समझ रहे हैं आप किस तरीके से एक फॉरेन मिनिस्टर को, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर को, भी इमरान खान की कैबिनेट के पुलिस वाले जलील कर रहे हैं धक्का देके। ये जेल से निकला, अब जेल से निकला तो इसको ले जा रहे थे शराफत में पुलिस वाले कि बुजुर्ग आदमी है कोई बात नहीं, इसकी बेइज्जती मत करो चुपचाप। पर ये बिना बेइज्जती करे मानते कहां हैं पाकिस्तानी? जब तक इनको जलील ना करो, बेइज्जत ना करो, इनका भी खून गर्म नहीं होता। तो इनका खून गर्म कैसे हुआ? ये पर्चा लेके वहां पे पॉलिटिकल स्पीच देना शुरू। उसने बोला तू इधर आ पहले बेटा, तू फॉरेन मिनिस्टर बाद में बनना, तू इधर आ पहले। उसने दिया धक्का। मैं बता रहा हूं एक दो लगाए भी होंगे। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं छोटा सा, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव। कोई पाकिस्तानी होगा उससे पूछना, जो नॉलेजेबल पाकिस्तानी कम होते हैं लेकिन पूछना फिर भी। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री था, उसकी सरकार गिरा दी, उसको हवाई जहाज में ले जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, उसको अरेस्ट करके हवाई जहाज ले जा रहे थे, परवेज मुशर्रफ के टाइम की बात है। उनको ले जा रही थी पाकिस्तानी फौज, और उस पूरी टीम पाकिस्तानी फौज का जो हेड था उस वक्त, उस टीम का जो नवाज शरीफ को ले जा रही थी हवाई जहाज में, वो था एक ब्रिगेडियर। भाई साहब, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के गाल पे थप्पड़ मारा एक ब्रिगेडियर ने, एक थप्पड़ मारा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। ये मैंने पाकिस्तानियों से किससे सुने हैं, और हो ना हो अगर आप यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं, आपको पता लग जाएगा कि ऐसा कुछ हुआ था। ये इज्जत है इनके सियासतदानों की, ये इज्जत है इनके प्रधानमंत्री की, ये इज्जत है इनके फॉरेन मिनिस्टर की। कोई भी इन पर हाथ साफ करके चला जाता है, कोई भी। फिर पाकिस्तानी यूट्यूबर जाते हैं और फिर आम जनता से पूछते हैं सड़क पर, पाकिस्तानियों से पूछते हैं ना सड़क पर, आपको क्या लग रहा है इंडिया आगे क्यों निकल गया है।